और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। और धामी की धमक बरकरार है, क्योंकि जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि हारकर जीतने वाले को धामी कहते हैं, और वो सच हो गया है। 6 महीने में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी छाप छोड़ दी है। क्या आम और क्या खास, हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है, और यही वजह है कि आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। हालांकि यहां पर राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक के रूप में वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 महीने में पुष्कर सिंह धामी ने काम किया, उस काम को पसंद किया गया है, यही वजह है कि उनका नाम पहले से ही तय हो चुका था। तो आज 35 मिनट के भीतर ही उनका नाम फाइनल हुआ, फिर सबके सामने आया, और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतिशबाजी हो रही है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुन लिया गया है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। ये दोनों नेता आज एक विशेष प्लेन से देहरादून पहुंचे थे, और एक 35-40 मिनट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक ने अपना नेता एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को माना है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति जताई गई है, और तमाम जो विधायक हैं वो भी उनके नाम पर सहमत नजर आए। यानी कि हाईकमान ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा किया। लेकिन ये आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में जितनी भीड़ बीजेपी कार्यालय के भीतर नहीं है, उससे ज़्यादा भीड़ बीजेपी के बाहर नजर आ रही। आप देख सकते हैं रितु भूषण खंडूरी, इनका नाम भी बहुत तेजी से इस लिस्ट में था, वो भी कार्यालय से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगुना आपको कार्यालय से बाहर जाते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ ही ये कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी कार्यालय है, और जितनी भीड़ बीजेपी कार्यालय के अंदर नहीं है उससे ज़्यादा भीड़ बीजेपी कार्यालय के बाहर नजर आ रही है। लेकिन बड़ा चीज़ ये है कि जो जैसे ही पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, उसके बाद से ही पुष्कर सिंह धामी के नाम के जो जोर जोर से नारे हैं उनके कार्य करते हुए नजर आ रहे थे, और न केवल पार्टी के कार्यालय के अंदर बल्कि पार्टी कार्यालय के बाहर भी जोरदार नारेबाजी केवल एक ही नेता के नाम पर आ रही थी, वो थी पुष्कर सिंह धामी। और उसके साथ ही जैसे ही विधायक मंडल दल की बैठक खत्म हुई तो तस्वीरें साफ हो गई। यानी कि ये साफ हो गया कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी ही बने रहेंगे, और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही सभी विधायकों की सहमति बनी है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सभी विधायक पुष्कर सिंह धामी को अपना नेता मानते हैं, और पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा किया गया, और पुष्कर सिंह धामी को फिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधानमंडल दल की बैठक की प्रक्रिया पूरी हुई और एक ही नाम सामने आया, वो है पुष्कर सिंह धामी, और सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी जी को माननीय नेता घोषित किया गया। तो तस्वीरें आपने देखी, उत्तराखंड में सीएम पर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। क्रिस्टल की तरह तस्वीरें बिल्कुल साफ है, धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के सीएम बनने जा रहे हैं। आज जो बैठक हुई उस बैठक में फैसला ले लिया गया है। राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी को बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के नेतृत्व में प्रगति करेगा। धामी सरकार चला चुके हैं और उन्हें अब अनुभव है, तजुर्बा है। मेरे सहयोगी सुभाष गौड़, जो कि उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भी है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, एक बार फिर से ये देखा गया है कि धामी की धमक जो है वो कम नहीं हुई है। 6 महीने में धमक बरकरार है, भले ही खटीमा से चुनाव हार गई हो, लेकिन आम जनता का और खास का दिल जीत लिया है धामी ने। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हाईकमान ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया, और ये कहा, ये भी बड़ी चीज है कि जिस तरीके से 6 महीने में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन मुख्यमंत्री के तौर पर करके दिखाया, और एक प्रचंड जीत यानी कि 57 विधायकों के साथ फिर वो विधानसभा अपने साथियों को पहुंचा पाए। हालांकि ये बात अलग है कि वो खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते उन्होंने 6 महीने पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की, यही वजह है कि हाईकमान ने फिर उनको खटीमा से हारने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और ये कहा जा सकता है कि एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर फिर पुष्कर सिंह धामी पर हाईकमान और विधानमंडल के तमाम जो विधायक हैं
उन्होंने हामी भरी है। हालांकि इसके साथ ही तमाम जो लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी कार्यालय के बाहर भी नजर आ रहे थे, तो उसके बाद जोर शोर से उनके नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जबकि नाम की घोषणा नहीं हुई थी, उस समय भी तमाम लोग पुष्कर सिंह धामी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि ये साफ था कि जो कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता, वो भी चाहता था कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका दिया जाए, और बड़े जो नेता थे उन्होंने उकर के भी दिया और पुष्कर सिंह धामी को फिर एक बार प्रदेश की कमान सौंप दी है। जी, आगे क्या, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एक दिन बाद यानी कि 23 मार्च को धामी शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि 23 मार्च को धामी शपथ लेंगे और शपथ बेहद बड़ी स्तर पर की जाएगी। यानी कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्र के हों या फिर अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम सभी बड़े नेता राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और ये पुष्कर सिंह धामी की जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा बनेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है भव्य रूप से ये शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो परेड मैदान में आयोजित करने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। यानी कि यह है कि जिस तरीके से कई मिथक उत्तराखंड में तोड़े गए हैं, केवल एक ही मिथक नहीं है, तमाम जो बड़े मिथक थे वो सभी बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान तोड़ दिए। लेकिन एक मिथक जो बरकरार था वो केवल ये था कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपना चुनाव हार जाता है और मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, लेकिन उस मिथक को भी हाईकमान ने इस बार तोड़ दिया। और बात चुनाव हारने की आई है, हार के बावजूद भी क्या फिर क्या लग रहा है, कौन से जगह से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 6 महीने का वक्त है उपचुनाव कराने के लिए। अब इंतजार होगा कि आखिरकार वो कौन सी विधानसभा सीट है या फिर वो कौन से विधायक हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे, कि या केवल वो बीजेपी के ही विधायक होंगे, या फिर यूं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तो कहीं ना कहीं कोई विधायक ऐसा नहीं है जो पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में और उनके लिए विधानसभा की सीट छोड़ने के लिए तैयार हो, या फिर निर्दलीय विधायक जो जीतकर विधानसभा तो पहुंचे, आज उन्होंने शपथ भी ली है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए वो शायद अपनी सीट छोड़ दे। लेकिन उसके लिए अभी इंतजार बाकी है और 6 महीने का समय भी है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा तो कर दिया है, तमाम जो मिथक थे सभी मिथक तोड़ दिए गए, और सबसे बड़ा मिथक जो था मुख्यमंत्री आवास का, वो मिथक भी इस बार बीजेपी ने तोड़ दिया है। बीजेपी के हाईकमान ने फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर वो सबसे बड़ा मिथक, जिस मिथक के चलते हरीश रावत उस आवास में रहना पसंद नहीं करते थे और वो आवास छोड़कर बीजेपुर गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते थे, वो मिथक भी इस बार बीजेपी ने तोड़ दिया। तो कहा जा सकता है कि और इसके अलावा बीजेपी में इसके अलावा भी हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे नाम थे जो रेस में सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि हमारा नाम जो है वो रेस में बहुत आगे चल रहा है, उनके रिएक्शन क्या सामने आना शुरू हुए हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आए हो तो? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सतपाल महाराज लगभग आज सुबह ये मान चुके थे कि शायद इस बार उनका नाम तय हो चुका और वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन जैसे ही पुष्कर सिंह धामी का नाम वहां कहा गया कि पुष्कर सिंह धामी को नेता माना जाता है और विधायकों ने सहमति जताई, उसके बाद से सबसे पहले विधानमंडल की जो दल की बैठक चल रही थी, उस दल की बैठक में से सबसे पहले बाहर सतपाल महाराज आते हुए नजर आए, और सबसे पहले ही वो प्रदेश कार्यालय से भी बाहर नजर जाते हुए नजर आए, क्योंकि जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद सतपाल महाराज उस कक्ष से बाहर निकले और सीधा प्रदेश कार्यालय से बाहर चले गए। यानी कि नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही थी। इसके साथ तमाम इसके अलावा एक बड़े और, चेहरे एक और जो यहां पर प्रश्न उठता है, एक और जो सवाल है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो धामी जी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, और क्या कोई निर्दलीय विधायक भी हो सकता है जो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता है, क्या कोई नाम सामने आया सुभाष? जी बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी जब से चुनाव हारे थे उसके बाद से लगभग 5 से 7 ऐसे विधायक थे जिन्होंने कहा था कि यदि जरूरत पड़े तो वो पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे, चाहे उसमें कई महत्वपूर्ण विधायक थे जो पूर्व में भी विधायक थे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पुष्कर सिंह धामी की चॉइस कौन सी सीट पर होगी, केवल विधायकों की सीट छोड़ने पर भी ये सब चीजें निर्भर नहीं करता है। जरूरी ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट को चुनते हैं और किस विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 6 महीने का समय है और 6 महीने के इस समय में उपचुनाव भी कराने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर उनको बना दिया है लेकिन उनको एक बार जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा, उसके बाद कहा जा सकता है वो पूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि विधायकों की तो फहरिस्त बहुत अधिक है, जो विधायक पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है,
लेकिन पुष्कर सिंह धामी की पसंदीदा सीट कौन सी होगी, क्या वो अपने विधायकों यानी कि बीजेपी के विधायकों की सीट से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या फिर निर्दलीय विधायक की सीट भी उनको पसंद हो या फिर कोई कांग्रेसी सीट, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब इंतजार इस बात का है कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो कुमाऊं मंडल की ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो किसी मैदानी या गढ़वाल मंडल की सीट को पसंद करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, इसके अलावा देखिए पुष्कर सिंह धामी तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं, लेकिन अब कैबिनेट जो है उसकी तैयारी कैसी होगी उसको लेकर कुछ चर्चाएं। सुभाष मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो सुभाष तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं और ये जोश बयां करता है कि पुष्कर सिंह धामी पर कितना ज्यादा विश्वास यहां आम और खास लोगों ने दिखाया है और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सुभाष क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल सुभाष, देखिए धामी तो चुन लिए गए हैं लेकिन कैबिनेट को लेकर, धामी की जो कैबिनेट होगी उसको लेकर क्या चर्चा है, कौन कौन के नाम जो है वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी कैबिनेट थी उसमें से लगभग कई ऐसे मंत्री हैं जो उस कैबिनेट में बरकरार रह सकते हैं, लेकिन कुछ नए चेहरों को भी इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है और कुछ युवा चेहरों को भी शायद इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो युवा कैबिनेट बनाने भी जरूरी और महिलाओं को भी जरूर तौर पर इस कैबिनेट में जोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से सतपाल महाराज एक बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में, तो सतपाल महाराज जरूर इस कैबिनेट में होंगे, धन सिंह रावत जरूर इस कैबिनेट में देखे जा सकते हैं, इसके साथ ही सुबोध उनियाल, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है पिछले 5 सालों में मंत्री के तौर पर, तो ये कहा जा सकता है कि शायद इस वजह से सुबोध उनियाल भी इस मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। लेकिन इस बार कई नए चेहरे हो सकते हैं क्योंकि हरक सिंह रावत अब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं, इसके साथ ही यशपाल आर्य अब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं, तो दो बड़े ऐसे चेहरे हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में और अब क्योंकि इनकी जगह खाली है तो कोई नए चेहरों को और इस पर जगह बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा चेहरा और भी है, स्वामी यतीश्वरानंद, जो कि अपना चुनाव इस बार हारे, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, उनकी भी जगह खाली है, तो तमाम समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी जाति समीकरण के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गढ़वाल मंडल के कितने मंत्री बनाए जाते हैं, कुमाऊं मंडल के कितने मंत्री बनाए जाते हैं, तराई यानी कि मैदानी क्षेत्र के कितने मंत्रियों को इस कैबिनेट में जगह दी जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि आखिरकार किस किस को नए तौर पर मंत्री बनाया जाता है या किन पुराने मंत्रियों को फिर से एक बार मंत्री की शपथ दिलाई जाती है। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए 2024 के तर्ज पर हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो तैयारी कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो। आज उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हो गई है कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से कमान संभालेंगे, क्योंकि 6 महीने उन्होंने दिए हैं आम जनता को और 6 महीने में जनता ने बखूबी पसंद किया, बड़े ही खटीमा से हारे हो, लेकिन 2024 की तर्ज पर क्या तैयारी बीजेपी की रहने वाली है और कितनी अहम भूमिका यहाँ पर धामी निभाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर यहाँ बीजेपी निभाती हुई नजर आएगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि बीजेपी ने जिस तरीके से 2014 में रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ तमाम जो 5 सांसद थे उन 5 सांसद को संसद तक बचाया था और उसके बाद फिर एक बार 2019 में बीजेपी के 5 सांसद जीतकर फिर संसद तक पहुंची थे, तो कहा जा सकता है कि 2024 की जो तैयारी है वो 5 लोकसभा सीट को लेकर होगी और कोशिश ये की जाएगी कि फिर एक बार बड़े बहुमत के साथ यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ और बड़े वोट शेयर के साथ बीजेपी उन सभी सांसदों को जो चुनाव लड़ेगी 2024 का उनको जिताएगी। लेकिन अब चुनौती केवल जिताने की नहीं है, अब उत्तराखंड में चुनौती वोट शेयर बढ़ाने की भी है कि आखिरकार बीजेपी का कितना वोट परसेंट शेयर जो बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जिस प्रकार से जो वोट शेयर था बीजेपी का वो लगातार 2014 से लेकर अब 2022 तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती है कि 2024 में बीजेपी का जो वोट शेयर है उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर भी होगी और प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर भी होगी और सरकार किस तरीके से
इन 5 सालों में काम करती है और खासतौर से शुरुआत के 2 सालों में किस तरीके से काम करती है, ये भी बड़ा सवाल रखेगा कि आखिरकार आगे आने वाले भविष्य में जनता बीजेपी पे कितना भरोसा करेगी। जी ठीक है सुभाष, हमने देखा था कि महिलाओं पर भी दाव खेलने की बहुत तैयारी हो रही थी, बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, चाहे वो ऋतिक खंडूरी का हो चाहे वो रेखा आर्य का हो, ये 2 नाम बहुत आगे रेस में थे कि हाँ ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई है। तो कैबिनेट में जगह महिलाओं की कितनी? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कैबिनेट में महिलाओं को जगह जरूर मिलने की उम्मीद है और ये कहा जा सकता है कि रेखा आर्य क्योंकि पूर्व में भी मंत्री थे तो शायद उनको एक बार फिर भरोसा करके उनको मंत्रिमंडल दिया जाएगा। इसके साथ ही ऋतु भूषण खंडूरी जो कि महिला प्रदेश अध्यक्ष भी है बीजेपी की और इसके साथ ही वो 2 बार विधानसभा चुनाव जीत कर विधानसभा तक पहुंची और इस बार वो मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं उनका नाम शुमार था। और हालांकि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उम्मीद ये की जा रही है कि महिलाओं को जरूर इस कैबिनेट में जगह दी जाएगी और शायद महिलाओं की जो परसेंटेज था कैबिनेट में उसको बढ़ाया जाएगा। जी सुभाष आप मेरे साथ बने रहिए, पवन तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। पवन जी बहुत बहुत बधाई, सबसे पहले तो सस्पेंस खत्म हो गया, उत्तराखंड पर नजर बनी हुई थी 7-8 दिन से, मंथन हो रहा था, आज वो मंथन खत्म हुआ, तस्वीर सामने आ गई कि धामी की धमक बरकरार है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को और हमारे जितने भी स्टूडियो में बैठे हुए हैं मेरे अतिथि और मेरे भाई मेरे बंधु हैं, मैं सबको आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और जो सस्पेंस जैसा कि आपने कहा चला आ रहा था वो आज क्लियर हो चुका और 23 तारीख को कैबिनेट की जो है ये भी पूरी हो जाएगी मनसा। और मैं आपको क्योंकि आपके साथ में मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ और आपने ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं और आपके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पवन जी लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला जी भी लगातार जुड़े हुए थे मेहमानों के साथ, तो उनका सिर्फ एक ही सवाल है और ये मुहिम है कि धामी तो बन गए हैं मुख्यमंत्री लेकिन न्यूज वन इंडिया मुहिम चला रहा है कि रोजगार देंगे तो हम और ज्यादा खुश होंगे, रोजगार बीजेपी देगी तो देखिए। देखिए मैं जैसा कि पहले कहा है कि हमने हमारे जो काम को उत्तराखंड की जनता ने सराहा है, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है और मैं समझता हूँ हमारे युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अब 23 तारीख को शपथ ले लेंगे। उसके उपरांत क्योंकि आपको पता है आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से युवाओं में जोश है और ये जोश बरकरार रहेगा, मैं समझता हूँ इस पर हम जोश तो बरकरार रहेगा पवन जी, लेकिन 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर चुनाव भी कराने होंगे और उपचुनाव में जीतना भी होगा, क्या लग रहा है धामी साहब कहां से कौन सी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए ये तो अभी गर्भ के गृह में है कि कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे, उनके लिए तैयार के लिए जहां से भी उनकी इच्छा होगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरीके से जीत कर आएंगे। ठीक है पवन साहब तो ये बता दीजिए जो स्टेज लगेगा शपथ ग्रहण समारोह का भव्य स्टेज जो लगेगा वो गैस स्टेज में लगेगा या देहरादून में लगेगा? पवन जी जो भव्य स्टेज लगने वाला है शपथ ग्रहण समारोह का वो गैरसैंण में लगेगा या फिर देहरादून में? पवन साहब आवाज नहीं आ रही है मेरी, क्या वो पवन साहब आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? देखिए पवन जी को तो शायद मेरी आवाज अब नहीं पहुंच पा रही है। अरे देखिए फिर आवाज चली गई, अब आ रही है मेरी आवाज? पवन जी चलिए ठीक है आवाज ठीक कर लीजिए, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। सुभाष लगातार मेरे साथ बने हुए, सुभाष देखिए पवन जी हमारे साथ बने हुए थे बीजेपी नेता है, उनसे सवाल किया कि गैरसैंण में धामी साहब शपथ लेंगे या फिर देहरादून में, तो उनको आवाज ही नहीं आई। ये सब बीजेपी ऑफिस थे। सुभाष जी आवाज आ रही है मेरी? तो सुभाष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तस्वीरें साफ हो चुकी है
और जो 6-7 दिनों से मंथन हो रहा था वो मंथन भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह गैरसैंण में होगा, देहरादून में होगा। सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल से लगातार जो तमाम नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, वो बचते हुए नजर आते हैं। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। At GLA University.